दोस्तों नमस्कार। डाई कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि डीसीपी, डीसीपी पाउडर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत सारे पशुपालक भाइयों ने डीसीपी पाउडर को इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है दूध बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या आप इसका सही तरीका जानते हैं? क्या आप इसका साइंटिफिक मेथड जानते हैं जिस मेथड से हम दूध को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं और किसी तरीके का नुकसान भी नहीं होगा? आज एक ऐसा तरीका डीसीपी पाउडर से दूध बढ़ाने का मैं लेके आया हूं। देखिए, डीसीपी डाई कैल्शियम फॉस्फेट नाम है इसका, और अगर इसके नाम को गहराई से देखें तो इसमें कैल्शियम भी है तो इसमें फॉस्फोरस भी है, यानी इसका जो रेशियो है कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों का है। बहुत सारे भाई जो है वो डीसीपी के बारे में नहीं जानते हैं अभी भी, उनको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि डीसीपी जो है वो आपको नज़दीकी जो भी आपके ये जो सामान रखते हैं वेटनरी का, पशुओं का सामान रखते हैं जैसे फीड सप्लीमेंट वाले हैं या फिर जो फीड खल वगैरह रखते हैं उनके पास आपको मिल जाएगा। जो भी ट्रेडर्स हैं वो ये रखते हैं। एनिमल फीड ग्रेड आपको लेकर के आना है, ठीक है? डीसीपी कौन सा? एनिमल फीड ग्रेड, यानी कि जो मेडिकल यूज़ का नहीं है, वो सिर्फ पशुओं को खिलाने के काम का है, वो आपको लेकर के आना है। और दूध बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है। सबसे बड़ी बात भाई, मिनरल मिक्सर भी बहुत सारे आते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये सस्ता आता है। 30 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये मिल जाता है, तभी पशुपालक भाई जो है वो कम रेट में दूध बढ़ाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कौन कौन सी कमियां हैं और किस तरीके से सही तरीका क्या रहेगा, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, किसी भी चाहे फूड आप खिलाएं या फिर कोई भी आप दाना मिश्रण दें, कोई भी अच्छी चीज़ दें या फिर कोई न्यूट्रिएंट दें, कुछ भी दें, उससे पहले यानी कोई भी सप्लीमेंट देने से पहले आपको एक विशेष काम करना रहता है जो हमेशा हम करते हैं कि उस पशु की आप डिवॉर्मिंग भी करवा दीजिएगा रेगुलरली, जो निश्चित पीरियड होता है, और उसे लीवर टॉनिक भी हर महीने देते रहिएगा और संतुलित आहार जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूध बढ़ाने के लिए। ये तीनों चीज़ें आप कन्फर्म कवर कर लीजिए, फिर आप डीसीपी पे आइए। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात पहले मैं डीसीपी की बता देता हूँ कि इससे अगर आपको दूध बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आप एक सुन लीजिए, वो ये है कि इसको कब नहीं देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको कभी भी आप ड्राई पीरियड में ना दें, यानी जब आप दूध निकालना बंद कर देते हैं उसके बाद डीसीपी का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आपको नहीं करना है। जो अंतिम महीना है प्रेगनेंसी का, उसमें तो आपको किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो दूध बढ़ने की बजाय मामला ख़राब भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब देखिए डीसीपी में हम कंटेंट की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो आपको दिखेगा। कंटेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, फॉस्फोरस जो है वो 18% है, बहुत अच्छा कंटेंट है फॉस्फोरस का। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी कैल्शियम की है, कैल्शियम 23% है। अब एक विशेष साइंटिफिक बात जो कि जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ इसमें अपग्रेडेशन कर रही है और कर भी देगी। इसमें क्या होता है, देखिए फॉस्फोरस की मात्रा 18% है, कैल्शियम की मात्रा 23% है, जबकि एक्चुअली होता क्या है कि पशु को अगर हम लगातार कोई चीज़ देते हैं तो उसे निश्चित रेशियो में देनी पड़ती है जिस रेशियो की उसको आवश्यकता होती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके रेशियो की, तो रेशियो जो है हमेशा ही कैल्शियम का रेशियो 2 और फॉस्फोरस का रेशियो 1 रहना चाहिए, यानी 2 कैल्शियम और 1 फॉस्फोरस हमेशा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या 2 कैल्शियम है क्या? अगर 2 के हिसाब से देखें तो 18% इसमें है, तो 18% इसमें है तो यहाँ पर 36% होना चाहिए था, 36%। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पर 23% ही है, ठीक है ना? तो कम हो गया, अपने आप ही मामला जो है वो कम हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमें अलग से कैल्शियम भी देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। अब अलग से कैल्शियम देंगे कौन सा, वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, यहाँ अगर हम रेशियो की बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 18 और 36, ये जबकि 36 होना चाहिए, इसकी जगह कितना है, 23 है, यानी कि 23 है। अब इसको सही करने के लिए आप एक विशेष काम कर सकते हैं, हालांकि थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन भाई अच्छी तरीके से अगर हमें डीसीपी का सही इस्तेमाल करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम
इसका सही ही इस्तेमाल करें, तो उसके लिए जो घर पे आप कैल्शियम बनाते हैं ना, उसे बंद मत कीजिए। कई भाइयों ने प्रश्न किया था कि क्या हम डीसीपी दे रहे हैं तो घर पे जो कैल्शियम बना रहे हैं उसको बंद कर दें क्या? नहीं, उसको बंद मत कीजिए, उसकी मात्रा को कम कर दीजिए। उसमें सिर्फ कैल्शियम है, चूने के पानी में कैल्शियम है, तो वो जो कैल्शियम है वो अगर आप साथ देते रहते हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देना कितना है ये इम्पोर्टेंट है, कितना देना है। देखिए इसको आप दूध के हिसाब से दे सकते हैं, यानी कितना दूध आपकी गाय भैंस दे रही है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे अगर किसी गाय भैंस का दूध जो है वो 10 लीटर है या 10 लीटर से कम है, 10 लीटर से अगर कम है तो उसे आपको ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 50 ग्राम डीसीपी ही बहुत है। तो डीसीपी कितना देंगे? 50 ग्राम उसे आप डीसीपी दे दीजिए। अब आप उसे चूने का पानी कितना देंगे? तो चूने का पानी अगर आप 50 ग्राम डीसीपी दे रहे हैं तो 50 से 100 ml ही उसे चूने का पानी दे दीजिए, जो एक निश्चित विधि मैंने बताई थी आपको, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना निश्चित विधि कौन सी है बनाने की। तो उस विधि से बना करके और आप 50 ग्राम दे रहे हैं तो 50 से 100 ml आप चूने का पानी भी मिला दीजिए। कितना मिलाएंगे? 50 से 100 ml आप चूने का पानी मिला दीजिए। ये ज़रूरी चीज़ है, इससे फिर जो ग्रोथ होगी या लंबे टाइम तक जो आप दे रहे हैं उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और बजट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चूने का पानी तो ये बिल्कुल सस्ता, 1 रुपये का बनता है, 1 रुपये ही नहीं लगेगा पर डे का, तो ये बहुत ही सस्ता बनता है। और ये है तो ये तो आपको पता ही, 2-3 रुपये का ये आएगा, यानी कि बहुत ही सस्ते में आप दूध बढ़ा सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये काम आप कर दीजिए। अब इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा खर्च कर सकें तो एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं कि दूध बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है, हालांकि ये मुख्य तत्व यही है कैल्शियम और फास्फोरस, और जिसमें मेन होता है कैल्शियम, लेकिन दूध बढ़ाने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है, शरीर की इम्यूनिटी का बढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे मिनरल्स जितने भी ज़रूरी होते हैं वो थोड़े थोड़े निश्चित मात्रा में जितना चाहिए उतना मिलना जरूरी होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप मिनरल मिक्सर यूज़ कर लीजिए, और मिनरल मिक्सर में कोई सा भी अच्छा सा मिनरल मिक्सर लेना है, ऐसा नहीं कि कोई भी मिनरल मिक्सर उठा लिया, कोई सा भी अच्छा सा मिनरल मिक्सर ले लीजिए जिसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी हो, जैसे मिल्कोफीड प्लेटिनम। मिल्कोफीड प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो भाई इसमें वो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे तत्व हैं जिनकी पशु को ज़रूरत है। तो हल्का सा थोड़ा सा बजट बढ़ेगा मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसको आप रोज़ मत दीजिए, इसको आप अल्टरनेट दे दीजिए। जब आप डीसीपी और चूने का पानी दे रहे हैं तो रोज़ नहीं दे करके अल्टरनेट दे दीजिए भाई, कभी कभार दे दीजिए। जैसे कभी कभार आपने 25 ग्राम, ज़्यादा की भी आवश्यकता नहीं है, 25 ग्राम आपने आज दिया, कल का दिन छोड़ा, फिर परसों दे दिया, तो ऐसे करके अल्टरनेट डे अगर आप 25 ग्राम देते हैं तो भाई बजट वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और जो डीसीपी से आप दूध बढ़ाना चाह रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कन्फर्म बढ़ा लेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी आप लोग का प्रश्न रहता है तो आप हमारा जो ऐप है रामावत एनिमल ऐप, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, 1234 OTP है, और उस ऐप में जाकर के आप किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई सा भी प्रोडक्ट, चाहे वो डीसीपी ही क्यों ना हो या कोई सा भी प्रोडक्ट हो, वो वहाँ पर मिल जाएगा जो आपके नज़दीकी एरिया में नहीं मिलता।